दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर में एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है सांख्यिकी के बारे में। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है, इसकी उपयोगिता बताइए, इसकी सीमाएं, इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषा, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाए। कई बार 8 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न, ठीक है, जिसमें इसकी मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है विशेषता और सांख्यिकी के अर्थ के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांख्यिकी क्या होता है और इसको किस प्रकार से इसके अर्थ और परिभाषा और इसकी विशेषताएं और इसके उपयोग सीमाएं हम लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहूँगा। जैसे ये जो पिक्चर्स है ना, इसी प्रकार के प्रश्न आपके सांख्यिकी में पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे प्रभावित परिवार दिया गया है, नीचे कुछ टीवी, समाज पत्र, पत्रिका, सिनेमा के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार से सांख्यिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आंकड़ा निकाला गया है कि 10,000 से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 20 है, और 10,000 से 20,000 कमाने वाले की परिवार की संख्या 40 है। तो इस प्रकार के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कभी कभी इस प्रकार से आंकड़े भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं आंकड़ों के समूह के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वास्तव में सांख्यिकी कहलाता है। तो आपको परिभाषा बिल्कुल सामान्य शब्दों में दी जाएगी जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सांख्यिकी क्या है, गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, समझ में आ गई, आंकड़े इकट्ठा करना, लेना, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन तथा अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गई बात, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसके अंदर आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुतीकरण की जाती है। समझ में आ गई बात, कहने का मतलब आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतीकरण, वर्गीकरण, उनका आकलन, उनके बारे में व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। और सांख्यिकी क्या है दोस्तों, सांख्यिकी एक गणित की शाखा है या फिर गणितीय विज्ञान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिखिए सांख्यिकी के बारे में। अब आपने जो आंकड़े देखे वो क्या थे, वो सांख्यिकी के अनुप्रयोग थे। तो सांख्यिकी के अनुप्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, अच्छा ये जो पिक्चर्स है ना, ये मैंने क्रॉप किया है कहाँ से, दृष्टि आईएएस के नोटबुक से ये मैंने क्रॉप किया है, दृष्टि आईएएस, ठीक है। तो सांख्यिकी के अनुप्रयोग में उन्होंने बताया कि सांख्यिकी अनुप्रयोग क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाने में, ठीक है, कि कितनी कितनी टैक्सेस, कितने कर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस प्रकार से खर्चा हो रही है, तो इन सब में सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए उपभोक्ता कीमतों की सूचकांक में, मतलब कस्टमर्स को आप कितने प्राइस पे क्या सामान बेचेंगे, तो उन चीज़ों में आप यहाँ पे सांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या नियंत्रण में, इन सारी चीज़ों में सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है। सांख्यिकी कोटि नियंत्रण में, बाजार सर्वेक्षण एवं मतगणना में, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें हो रही हैं मतगणना में, और स्वास्थ्य के संबंध में सांख्यिकी, और कृषि उत्पादन में कि कौन से क्षेत्र में गेहूं की फसल कितनी हुई, इन सारे चीज़ों में आप क्या करेंगे, सांख्यिकी का अनुप्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर 8 नंबर में पूछता है तो सांख्यिकी अर्थ और उनकी उपयोगिता में आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, आगे भी और बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, लेकिन 15 नंबर में पूछता है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए देखते हैं सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी सीमाएं क्या हैं, सीमाएं कह लीजिए, लिमिटेशन कह लीजिए, या फिर इनके दोष कह लीजिए, ठीक है, या फिर कमियां कह लीजिए। सांख्यिकी की सीमाएं ये है, सांख्यिकी द्वारा सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है तथा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है, किंतु व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपये है, ठीक है, तो आप इसकी गणना क्या, ये तो स्पष्ट रूप से है, इसकी गणना नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति की आय, किसी परिवार में 5 सदस्य रहते हैं और किसी की आय 5,000, किसी की 6,000, किसी की 8,000, किसी की 10,000 और किसी की 4,000 है, ठीक है। तो अब इनका आप एवरेज निकाल सकते हैं कि उस परिवार में एक व्यक्ति की कितनी आय है सांख्यिकी के माध्यम से, लेकिन एक व्यक्ति के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते सांख्यिकी, तो ये इसकी सीमा हो गई, ठीक है। अब आइए, सांख्यिकी में आंकड़ों का केवल संख्यात्मक मान प्रयोग किया जाता है, इसके गुणात्मक तथा तथ्य जिन्हें संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनका अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जाम्पल मान लीजिए गांव के, अगर आप इनकम की, आय की एक सांख्यिकी बना रहे हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि उनके संख्यात्मक मान कितने हैं, उनकी कमाई कितनी है, ठीक है, वो कौन से कार्य करते हैं, आप एक तथ्य पर उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से सांख्यिकी के आंकड़ों में केवल संख्यात्मक मान का प्रयोग किया जाता है, गुणात्मक तथ्य जिन्हें संख्यात्मक का रूप प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आइए,
सांख्यिकी विधियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कई बार वास्तविक से अलग प्रतीत होते हैं तथा भ्रम पैदा करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं आपको कह दूं कि एक परिवार में तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, तीनों की एक की आय 10 है, एक की आय 5 है और एक की आय 6 है। तो आप बताइए औसत आय कितनी होगी। आप औसत आय अगर इसकी निकालेंगे तो आप देखेंगे तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा ही आएगा। तो इससे तो ज़्यादा आया ना, तो ये कई बार असत्य होते हैं, कई बार भ्रम भी पैदाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक गांव की औसत आय 10,000 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि गांव का हर व्यक्ति 10,000 कमाता हो, ठीक है। तो कई बार ये क्या होती है, औसत रूप में सत्य माना जा सकता है, ठीक है, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, इसे केवल औसत के रूप में सत्य माना जाता है। ये भी इसी की बात हो गई, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, इन्हें औसत के रूप में सत्य माना जा सकता है, ये इसकी सीमा हो गई। सांख्यिकी का प्रयोग आम आदमी नहीं समझ सकता, विशेषज्ञों द्वारा इसको समझा जाता है। ये सांख्यिकी की कुछ विशेषता भी कह दी या फिर सीमा के सांख्यिकी के परिणाम केवल सामान्य रूप से लागू हो सकते हैं, इसमें विशिष्टता का अभाव होता है। सामान्य रूप से आप इसको लागू कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर अगर आप स्पेशलाइज करेंगे तो उसमें सांख्यिकी का अभाव होता है। आंकड़ों के गलत प्रस्तुतिकरण से सांख्यिकी का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर आंकड़े थोड़ा भी गलत हो गए ना, एक जगह भी आपने 10 की बजाय अगर आपने 11 लिख दिया तो पूरा सांख्यिकी का गलत परिणाम निकल सकता है। तो ये इसकी सीमाएं होंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिखिए बहुत ही आसान तरीके से, शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया हूं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट, वो क्या है कि सांख्यिकी के लक्षण क्या है या फिर इसकी विशेषता क्या है दोस्तों। तो सांख्यिकी विशेषता देखिए, इसमें कहा गया है कि समंक तथ्यों के समूह होते हैं ये सांख्यिकी। अब सवाल ये है कि ये समंक क्या होता है, ये क्या नई चीज़ है। कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समंक किसे कहते हैं, तो सामान्य शब्दों में समंकों का अर्थ तथ्यों के उन समूह से होता है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्धता के उचित स्तर द्वारा गिना या अनुमानित किया जा सके, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो समंक को कहते हैं डेटा, ठीक है, डेटा कहते हैं ना, डेटा जो चीज़ें हम कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें समंक, हिंदी में इसको समंक कहते हैं, ओके। तो इसकी विशेषता यही हो गई कि जो डेटा होता है ना वो तथ्यों का समूह होते हैं, जो इसके समंक होते हैं वो तथ्यों के समूह होते हैं। डेटा संख्याओं के रूप में व्यक्त होते हैं, ठीक है, शब्दों के रूप में नहीं। डेटा अनेक कारणों से प्रभावित भी हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये इसकी विशेषता हो गई। आंकड़ों के संकलन में उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए तभी तो आप सही परिणाम निकाल पाएंगे। आंकड़ों का संकलन किसी उद्देश्य से होना चाहिए, ठीक है, आप अगर किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आंकड़ों के परस्पर एक दूसरे से संबंधित किए जाना योग्य होना चाहिए और समंको यानी कि डेटा का गणना द्वारा अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए जाना चाहिए, मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च के द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी से उसकी एज पूछी तो बस वो मौखिक रूप से कह दिया कि मेरी उम्र अगर 18 साल है तो नहीं, आप उसके एक बार कोई परिणाम या फिर कोई अनुसंधान रिसर्च कर लीजिए, उसका आधार कार्ड देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप डेटा क्या करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे। तो ये सांख्यिकी की विशेषता है कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी टॉपिक। सांख्यिकी पर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सांख्यिकी आपने अपने जीवन में बहुत बार पढ़ा है, इसके प्रश्न को आपने हल किया, माधी का माध्य और बारंबारता, ये सारी चीज़ें आपने बहुलक बहुत बार, मीन मीडियम मोड, ये सब बहुत बार आपने कैलकुलेशन किया है, बट उसको शब्दों में कैसे लिखना है इसके लिए मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूँ। तो इस प्रकार से आप सांख्यिकी के बारे में अगर प्रश्न पूछता है तो अपने शब्दों में लिखिए। बाकी एक बार प्लीज़ अपने बुक को जरूर रेफर करिएगा, अपनी किताबों से पढ़िएगा, वहाँ से आपको और ज़्यादा शब्द मिलेंगे और इसको समझ के अपने शब्दों में एग्जाम में लिख के आइए, सवाल ये जरूर पूछा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी राय बतानी है कमेंट बॉक्स में, यह पढ़ाई कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, सही हो या गलत हो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ताकि मैं अपनी वीडियो को सुधार करूंगा। फिलहाल कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, एक टीम बनाइए, साथ मिलकर साथ पढ़ते हैं और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए।